इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चंडीगढ़ में पदस्थ आईटीबीपी पुलिस सेल सेक्टर के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली जेट रिसर्च कंपनी पर पुलिस ने छापामार कार्यवाही की। मौके से बड़ी मात्रा में कॉल सेंटर में लगे कंप्यूटर उपकरण सहित महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में लिया गया। दरअसल मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है, जहां फर्जी जेट रिसर्च कंपनी के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कराने के नाम पर एडवाइजरी में निवेश और डबल मुनाफा का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद कंपनी पर छापामार कार्यवाही की, जहां मौके से बड़ी मात्रा में कॉल सेंटर में लगे कंप्यूटर उपकरण सहित मौके से युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि फर्जी कंपनी के नाम पर आरोपी निखिल सोनी शेयर मार्केट में दोगुना पैसे के लालच में देकर पुलिसकर्मी लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका था। कार्यवाही के बाद पुलिस ने मौके से युवक युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं फर्जी कंपनी चलाने वाला मुख्य सरगना निखिल सोनी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में टीम जुटाई गई है। पुलिस फर्जी एडवाइजरी कंपनी चलाने वाले आरोपियों के बैंक अकाउंट को भी खंगाल रही है। कई फर्जी दिल्ली के अकाउंट की जानकारी मिली है। दोगुना निवेश का झांसा देकर की गई धोखाधड़ी, रुपया खाते में जमा कराए जाते हैं, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से अलग अलग खातों में भेज दिए जाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सर, लगातार एडवाइजरी द्वारा आम लोगों को कई बार इस तरह का फ्रॉड का मामला सामने आता रहता है, कई बार शिकायत आती है, ऐसी क्रम में एक एडवाइजरी पर आपने कार्रवाई की है। ये एक शिकायत आज थाना अन्नपूर्णा में प्राप्त हुई थी, जिसमें वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और आईटीबीपी में इंस्पेक्टर के पद पर होना उन्होंने बताया है। उनकी जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उसके बाद पुलिस ने जो कंपनी वाले हैं उनसे बातचीत करी और उनके थ्रू भी बातचीत कराई, तो उन्होंने पुणे की कंपनी होना बताया और पुणे में ऑफिस होना बताया, जबकि उसकी लोकेशन के आधार पर सारी चीज़ तय हो चुकी थी कि यहाँ पे अन्नपूर्णा क्षेत्र में उनका लोकेशन है। उसके बाद पुलिस ने जाके वहाँ देखा तो वहाँ पे एक कोई बिना बोर्ड लगाए एक फर्जी कंपनी उनने बना रखी थी, जिसमें करीब 16 कंप्यूटर्स और सारी जो मोबाइल फोन्स हैं और बहुत सारे लोग वहाँ, करीब 15-16 लोग मिले हैं, यंगस्टर्स मिले हैं, लड़के लड़कियाँ जो कि कॉलिंग करते थे। पूछने पता चला कि उनके द्वारा डाटाबेस लेके, बड़ा डाटा देके हर कॉलर को 150 नंबर देके दिन भर बात कराई जाती थी, और एक जो अकाउंट है उनका वो भी फर्जी है, मेहुल कुमार के नाम से दिल्ली का अकाउंट है जिसमें पैसा लेते थे। जो हमारे फरियादी हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं, इनके द्वारा ऐसा बताया गया कि इनको भी लॉकडाउन के पहले चर्चा की होगी, इनसे कहा गया पैसे जमा करना है, इन्होंने झांसी में आके 50,000 रुपये जमा कर दिए। उसके बाद उनको बताया गया कि आपके 50,000 रुपये अब 2.5 लाख बन चुके हैं, और 2.5 लाख जब इन्होंने लेने की मांग की तो उनसे कहा गया कि GST भरने के लिए पैसे देना है, तो उन्होंने और कुछ पैसे दे दिए। उसके बाद फिर उनको लॉकडाउन का जैसा देके क्या ऑफिस बंद हो गया है। फिर अभी जब इन्होंने फिर से मांग की उनसे पैसे की, तो उनसे बोले कि आपका 2.5 लाख अब 14 लाख बन गया है, अब आपको कुछ और लाख और रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार से उनसे 5-1 लाख रुपये की उनसे फ्रॉड किया, और कहीं कोई इनका ना तो इन्वेस्टमेंट किया है ना इनके नाम कोई शेयर लिया गया है, शुद्ध में फ्रॉड ये कंपनी है। जिस नाम से ये कंपनी चला रहे हैं, जेड रिसर्च कंपनी के नाम से ये कंपनी चलाना बता रहे हैं, ऑल दो कोई बोर्ड उसका नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है उसके, और ना ही इसका कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन है सेवी में, लेकिन इस नाम की असली कंपनी ऐसा पुणे में होना बताई गई है, तो उनका फर्जी नाम लेके ऐसा कंपनी चला रहे हैं, ऐसी अभी जानकारी लगी है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इसमें डिटेल में और सारे खुलासे होने की संभावना है। कौन है इसका संचालक कर रहा है, कितने लोगों को? अभी जो नाम आया उसमें एक निखिल सोनी करके नाम आया जो कि मुख्य इसका संचालक उन्होंने बताया है। इसके अलावा जो लड़की जिससे बात कर रही थी हमारे पीड़ित से, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको मतलब हिरासत में पूछताछ कर ली है पुलिस, और अन्य दो जो फ्रॉडेंट थे उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके अलावा कुछ जो एम्प्लॉइज हैं जो अभी कम समय पहले आए थे उनको भी पुलिस ने पूछताछ में लिया है, जिसकी जैसी भूमिका उसके अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई की जा रही है, और उसमें दो मुख्य आरोपी होना पता चला है, उनके लिए भी पुलिस तलाश कर रही है, और 3 मुख्य आरोपी अभी जो कि अभी तक जो प्रकरण प्रकाश में आए थे उनको पुलिस ने पूछताछ में लिया है, और इसमें डिटेलिंग करके और जैसी जैसी भूमिका निकलेगी अन्य भी हो सकता आरोपी बढ़ाया जाए।